तो ये गाइस क्या चल रहा है, मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया, मतलब बस आ ही गया, टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। तो गाइस यार इस वीडियो में मैं वीडियो एडिटिंग के बेसिक बताने वाला हूँ, जो कि मैं वंडरशेयर पे बताऊँगा। वंडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना तुम भी। डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसको क्रैक कर लेना। क्रैक करने नहीं आता तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो यार मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ तुम्हें, वहाँ पे देखो कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं। चलो फिर यार, सबसे पहले तुम अपना वंडरशेयर फिल्मोरा ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है फुल फीचर मोड। उसके बाद ये देखो, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम अपना वीडियो ऑडियो जो भी एक्सपोर्ट करते हो वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें फाइल्स में, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ये एक वीडियो ले रखी है मैंने, ये वाली, ठीक है। इसको मैं इधर टाइमलाइन पे डालता हूँ। उसके बाद इस वीडियो की जो ऑडियो है ना, वो मैंने अलग से रिकॉर्ड करी थी, ठीक है, फोन में। तो फिर अगर तुम वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसका ऑडियो अलग से अगर रिकॉर्ड ना करके तुम उसी में रिकॉर्ड करते हो वीडियो के साथ ही, तो फिर तुम ये जो आगे वाला स्टेप है ना, ये मत करना तुम। तो फिर अब मैं अपना ऑडियो इंपोर्ट करूंगा इस वीडियो का, जो कि मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करा था। तो इसको यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। मैंने मॉनिटर पर बनाया था ये वीडियो, मॉनिटर वाले ही है। इसको अब मैं इस पर लगा दूँ, और इसका जो ऑडियो है ना, इसको मैं डिटैच कर दूँगा, और जो वेव है ना उसको इससे मिला दूंगा, इसके वेव इससे मिला दूंगा। उसके बाद ये जो है, जो ऑडियो डिटैच करा था मैंने, डिटैच ऑडियो को डिलीट कर देंगे। उसके बाद जहाँ से वीडियो स्टार्ट था वहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वीडियो, यहाँ से स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं अपने मॉनिटर के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ से शुरू करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, दोनों को सिलेक्ट कर, मैं जैसे मेरे को दोनों को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन अगर तुमने जिससे वीडियो रिकॉर्ड करा है उसी से अगर तुमने ऑडियो रिकॉर्ड करा है ना, तो फिर तुम्हें ये दो तो आएंगे ही नहीं, तुम्हें तो ऑडियो डिटैच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बिना ऑडियो डिटैच करे ही एडिटिंग शुरू कर सकते हो। यहाँ ये स्प्लिट करने के लिए है, यहाँ से मैं अब स्प्लिट करूँगा इसको। स्प्लिट करने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए इसको एक बार सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से डिलीट कर सकते हो तुम इसको। ये डिलीट होने के बाद ये जो मेरा ऑडियो था उसको यहाँ पे ले आओ। अब तुम्हें क्या देखना, जहां जहां तुम्हारी मिस्टेक थी ना, उसको दोनों तरफ से स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। जैसे मैं दिखाता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने एक मॉनिटर के बारे में बताने वाला हूँ, एक रिव्यू समझ लो। या देखो तो है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मैंने फिर से रीटेक लिया था, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे बहुत लंबा गैप है, ठीक है, इधर, तो इसको काटने के लिए यहाँ से ये देख लो वेव, पहले देख पाऊँ। यहाँ पे एक लंबा गैप है ना, इन दोनों गैप पे हम वीडियो को स्प्लिट कर देंगे ऐसे दोनों तरफ से, और इसको डिलीट कर देंगे, और इसको वापिस ले आएंगे। ये सब गलतियों को स्प्लिट करके डिलीट कर देने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लो अगर लगाना है इंस्टा आईडी बतानी है तुम्हें अपने, तो वीडियो में साइड में होती है ना, तो एक पीएनजी डाउनलोड कर लो तुम, ठीक है। ये पीएनजी एयरिंग, उसको यहाँ पे रखो तुम्हें ला के ऐसे, ठीक है, और इसको छोटा करके साइड में लगा। अब यहाँ पे नाम लिखने के लिए तुम जाओ यहाँ पे टेक्स्ट एंड क्रेडिट में, सब टाइटल पे जाओ,
सबटाइटल पे जाने के बाद ये वाला जो है ना सबटाइटल टू, इसको ले आओ यहाँ पे और इसको छोटा कर दो, इसको थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो तो ये खुल जाएगा, ठीक है। एडवांस सेटिंग होगी इसकी, वो खुल जाएगी। अब ये जो ब्लैक वाला है इसको हटा दो, डिलीट कर दो यहाँ से सबटाइटल, और इधर इसको हटा के इसमें तुम अपना इंस्टा आईडी डाल दो। अब इसमें एनिमेशन डाल दो तुम यहाँ पे, एनिमेशन पे जाके ये वाला, और इस फिर ओके ओके पे क्लिक कर दो। फिर मैं कुछ लेता हूँ ना उसके कुछ ही दिनों बाद उसी का लेटेस्ट वर्जन, तो ये ऐसे करके यहाँ पे लग गया। अब तुम्हें लगाना है मान लो सब्सक्राइब करने के लिए ये लगाना है, तो ये भी लगा सकते हो तुम, ये यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो। सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट डालना वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद ये ग्रीन स्क्रीन पे जाओ, ठीक है, और उसके बाद ये सिलेक्ट कर दो तो, और इंटेंसिटी लेवल बढ़ा दो, ये 55 से 60 के बीच में रख दो तुम, ठीक है। उसके बाद इसको छोटा करके यहाँ से अपने हिसाब से कहीं भी डाल दो इसको। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपने बताने वाला हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम ये थोड़ा हैंग कर रहा है क्योंकि रैम नहीं है ना इसमें ज़्यादा, इसलिए। तो ये सब करने के बाद अब मान लो तुम्हें बीच में कोई ट्रांजिशन लगाना है, ये रहा ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन का ऑप्शन ये रहा, कोई भी ट्रांजिशन तुम लगा सकते हो इस वीडियो के बीच में, दो वीडियो अलग अलग है ना उसके बीच में तुम ट्रांजिशन लगा सकते हो। क्योंकि जब भी मैं कुछ लेता हूँ ना उसके कुछ मैं कुछ लेता हूँ तो ऐसे करके ट्रांजिशन लग जाती है। उसके बाद मान लो तुम्हें दो वीडियो जैसे वीडियो है इसके बीच में अब तुम्हें कुछ लगाना है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ लगाना है तुम, ठीक है। यहाँ से मैं ये कट करता हूँ इसको, अब इसके बीच में मुझे लगाना है कुछ तो मैं ये लगा देता हूँ, ग्लिच लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो तुम्हें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, फिल्टर यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो और लगा सकते हो, ये लगा दे तुम जैसे, समझ रहे हो, तो ये फिल्टर तुम डाउनलोड करके यहाँ से यहीं पे लगा सकते हो। उसके बाद ओवरलेज है ये लगा सकते हो तुम, उसके बाद एलिमेंट्स भी, ट्यूटोरियल करते हो तो ट्यूटोरियल पे ये रहा कुछ एरोज वेरोज हैं, तो ये बेसिक में यही सब है, ठीक है। अब तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है वो तुम यहाँ से लगा सकते हो जैसे ये रहा, ये वो तुम यूट्यूब लाइब्रेरी से डाउनलोड करना, ठीक है, और जितनी वीडियो तुम्हारी वहाँ तक कट कर देना इसको। उसके बाद इस पर डबल टैप करना, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना इस पर तुम डबल टैप करना, और वॉल्यूम को तुम 5 तक रख देना, 5 से कम 3-4 तक रख सकते हो, 3 से 4 तक रखना, 4 रख देना, ठीक है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो तुम्हारा ऑडियो है ना उसको तुम 200 पे कर देना, ठीक है, ये 100 पे रहेगा, ठीक है, 100 से उसको 200 पे कर देना। और अगर ज़्यादा नॉइज़ है तुम्हारे वीडियो में, तुम्हारे ऑडियो में, ठीक है, अगर तुम्हारे ऑडियो में ज़्यादा नॉइज़ है तो तुम यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, तो मेरे में नहीं है उतना। तो अब आता है एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट कैसे करना है, जैसे एक्सपोर्ट पे दबा दिया, ठीक है, तो तुम्हें ये वाला सिलेक्ट करके, ये वाला सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करके MP4 सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेजोल्यूशन तुम्हें अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है, मैंने 1920x1080 पे सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, क्वालिटी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, और बाकी जो सेटिंग है ना उसको जैसे है वैसे ही रहने देना, ओके पे दबाना, एक्सपोर्ट पे दबाना, एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट होने के बाद जिस फाइल में आएगी ना वो माई कंप्यूटर्स में जाके डॉक्यूमेंट्स पे जाना, डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद वंडरशेयर फिल्मोरा नाम का एक फोल्डर होगा और उसमें आउटपुट नाम का एक फोल्डर होगा, उसको खोलना, तो जो भी तुम एक्सपोर्ट करोगे ना वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो तुम्हारे प्रोजेक्ट हैं जो सेव हुए थे और जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे सेव होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें से जो भी खोलोगे जहाँ पे खत्म था वहीं से शुरू हो जाएगा। तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।